राम राम सारे लोग लुगाइया ने बाण भाइया ने काकी ताइया ने देसी पड़ताल चैनल पर आप सभी का जोड़ का स्वागत है। इस टाइम हम मौजूद है बोरगाम में स्टेडियम के पास। दृश्य आप देख चुके हैं, कितना भयानक दृश्य है। ये घटना कल रात की है। कल रात 12 बजे एक धमाके के साथ यहाँ आग लग गई। ये जो एरिया आप धुआं देखो, अभी भी उठ रहा है, आग कितनी भयानक होगी। इस एरिए में लगभग 12 परिवार रहते थे, ऑन द स्पॉट 12 परिवार रहते थे पर फैमिली। अब दो बंदे लगा लो तब भी 24 बंदे हो गए। तो अचानक आग लगी होगी, किस तरह भगदड़ मची होगी और नुकसान आप देख सकते हैं। घर का सारा सामान जो ये सब मैं आपको बताना चाहूँगा, झुग्गी वाले थे आप देख सकते हैं, कूलर वगैरह जो इनने ईंटे लगाकर बेड बना रखे थे सभी जल कर राख हो गया। इन्होंने बड़ी मुश्किल से भाग के जान बचाई। आग बुझाने में ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई और 8 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 से 3 घंटे में जाके आग को कंट्रोल में किया। ये सब कूड़ा बीनने वाले थे, तो इनका इतने दिन की मेहनत आप देख सकते हैं किस तरह जल कर राख के ढेर में तब्दील हो गई। यहाँ लगभग 5 गैस सिलेंडर एक के बाद एक लगभग 5 गैस सिलेंडर फटे हैं। हमने यहाँ बात करने की कोशिश की, प्रशासन वगैरह सब आए लेकिन किसी ने भी इनकी कोई भी वाजिब मदद नहीं की है। एक बार और आप चारों तरफ खावी लीजिए, इनका सारे लगभग 2-3 महीने की मेहनत राख में तब्दील हो चुकी है। घर का सारा सामान और झुग्गी वगैरह जो भी इन्होंने डाल रखी थी वो सब राख हो चुकी है। ये देखिए इधर ये सिलेंडर रखा है, ये फट चुका है और इनके बर्तन वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। इस सिलेंडर और ये इनके बर्तन वगैरह और ये सिलेंडर की हालत आप देख सकते हैं, फट चुका है बिल्कुल। और ऐसे ऐसे 5 विस्फोट हुई है यहाँ पे। तो इन्होंने किस हद तक भाग के अपनी जान बचाई होगी वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये इनकी मोटरसाइकिल जो 3 पहिया रिक्शा में तब्दील करवाई जाती है वो है, ये भी बिल्कुल ख़त्म। आप देख सकते हैं इंजन वगैरह बिल्कुल ख़त्म है इसके। ऐसी ऐसी बहुत सी रिक्शा आपको एक वो साइड खड़ी और ये नॉर्मल रिक्शा जो होती है वो आग यहाँ से लगी। जो हमने पूछताछ की तो आग यहाँ से लगी बताइए अचानक। और ये आप इनका खाने का देख सकते हैं, चावल वगैरह सब जल कर राख हो गया। प्रशासन को वाजिब कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इधर एक और सिलेंडर है जिस तरह मैंने बताया, इधर आप फटा हुआ सिलेंडर भी देख सकते हैं जूम के माध्यम से। तो इस तरह के 5 विस्फोट हुए हैं यहाँ पे सिलेंडर के माध्यम से और नुकसान का तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। गिनमत की बात ये रही कि माल की हानि हुई लेकिन जान की हानि नहीं हो पाई। ये एक और मोटरसाइकिल से आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जल के राख हो चुकी है। अब इसका कोई काम में नहीं ले सकते और धुआं आप देख रहे हैं। आग कल रात को लगी थी लेकिन धुआं अब भी उठ रहा है, धुआं अब भी उठ रहा है। जब कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो बड़े अरमानों के साथ बनाता है। ये यहाँ पर पिछले 5 से 6 साल से रह रहे थे। आप ये देख सकते हैं शीशा तक पिघल गया, आग इतनी भयानक लगी है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनके सामान के साथ संदूक वगैरह भी आपको दिख रही होगी। फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियों ने कितने घंटे में आग बुझाई आप देख सकते हैं। ये हुक्का वगैरह सब जल चुका है और उधर आप देखेंगे तो इनका काटा भी है जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इनके बर्तनों की आप हालत देखेंगे तो ये पिंगल के ख़त्म हो चुके हैं, किसी काम के नहीं है। चम्मच डेगची वगैरह पिंगल के क्या ही बताऊँ। ये खाने के लिए अनाज आप देख रहे होगे, इसका भी बुरा हाल है। ये गैस स्टोव, चारों तरफ एक भयावह दृश्य है।
जो कि दिल को दुखाने वाला है। कूलर वगैरह सब जल के राख हो गए। और ऐसे ही रात को 12 बजे 5 धमाके हुए थे यहाँ पे, लगातार बैक टू बैक 5 धमाके हुए थे। जिन यहाँ पे जो मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बोतिन का सामान बचा, बाकी सब जल के राख हो चुका है। यहाँ पर जो मौजूद है मौके पे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनकी रिक्शा वगैरह घर सब कुछ जल के राख हो चुका है। तो यहाँ जो मौजूद है मौके पे इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। ये किस टाइम हुआ था रात को? ऐसे 10 बजे करीब था। मैं इस प्लॉट पर नहीं रहता जी, हम रहते तो उस प्लॉट पर। मैं कहीं गया था मार्केट में, वो है उसका मालिक, वो पीली टी शर्ट वाले। चलो उनसे पता करते हैं, वे यहाँ मौके पर मौजूद थे। नमस्कार भाई, ये कैसे क्या कुछ हुआ? किस टाइम? रात को 9 बजे 9:30 बजे आग लग गया था जी, वो कोने पे, वो उधर नलका जी, नलके के पास वो आग लग गया। फिर वहाँ से, फिर मान लो हवा का मौसम था, नलके के पास हम जा ही नहीं पाए। आग मान लो 2 झुग्गी में लग गया, जब तक बुझाते 3 झुग्गी में जैसे लग गया। फिर हम बुझाते मान लो एक भी सामान ही हटा नहीं पाए, सारा सामान नूकानू पड़ा। बस बच्चे उच्चों लेके बस रोड पे आ गए, जान बचा पाए, माल नहीं बचा पाए। बच्चे को लेके हम रोड पे आ गए, बाकी सारे जले हुए। फायर ब्रिगेड आ गई थी? कॉल आ गई थी। लगभग कितना टाइम लगा होगा आग बुझने में? कम से कम 1.5 घंटा तो लगा ही है। प्रशासनिक अधिकारी आए थे? कुछ पैसे वैसे जो नुकसान हुआ उसके लिए कुछ बोला? उसके लिए कुछ कोई नहीं आया लेकिन पूछने सारे आए थे, जो बच्चे उच्चे सुरक्षित है कि नहीं, सारे गांव वाले भी आए थे। ऐसे कोई दिक्कत? सुरक्षित तो हो गए ना? हाँ, सारे बच्चे ठीक है। प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? जो ये परिवार है, कितने परिवार थे लगभग यहाँ पे? यहाँ पे 22 परिवार थे। तो उन परिवारों का जो आशियाना वो जड़ गया, तो प्रशासन से सारा जल गया हमारा प्रदेश सारे। हम प्रशासन से क्या मांग करेंगे? फिलहाल तो हमने कुछ मांग किया ही नहीं। मुआवजा वगैरह जो कुछ भी नहीं है बचा इसके लिए, दे दे तो दे देगा, बाकी हमारा मांगने का कोई उम्मीद नहीं। प्रदेश सारे हम झुग्गी झोपड़ी में रहते, कहाँ मांग करेंगे हम? कोई नहीं, आपकी मांग हम उठाएंगे। कोई नहीं, फिर भी हमारी तरफ से आप कुछ बात कहना चाहते हो सरकार से? वीडियो ऊपर तक जाए, मदद वगैरह। जल गया जी, एक साथी जल गया, हम क्या मदद मांगेंगे? वो साथी हॉस्पिटल में है? कोई हॉस्पिटल में नहीं, सारे बच्चे ठीक है, सुरक्षित है। चलो ठीक है, ठीक। आप देख सकते हैं आग की लपटे इस घर तक आई है। इस घर के कांच और गेट बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसी तरह आप अगली खिड़की में देख सकते हैं, पलाई बिल्कुल फूल चुकी है। कितना भयावह दृश्य रहा होगा, 22 परिवारों का आशियाना जल कर राख हो गया, उनकी इतने दिनों की मेहनत जल के राख हो गई। जैसे कि मौके पे हमें ये घर वाले मिल गए हैं जिनके गेट बिल्कुल खराब हो गए आग के कारण, इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आग लगी मौके पे, आप कितने? आपा जी घर आधे सोने की तैयारी में थे, फिर बाहर आकर आग कितनी भयानक लाग रही थी जो इतना नुकसान? आग तो मार बार लकड़े ना, बार लकड़न तो पहला ये कलकी मारन लाग रहे थे लोग बाग, बार न लकड़िया तो भाई आग उड़ती जा रही थी। उस कुंड पर देखी थी मैंने, 5 मिनट भी ना लाई होंगी, इतनी तेज हवा थी, हवा तो नून बड़ की हवा थी, सीधी नू पूरी कवर करती चली गई। आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा कम तक 25-30 हजार रुपया था नुकसान हो गया। यो तो चलो सोलर प्लेट दरी थी भीतर, और बत्ती आग ना घर में बड़ी, वह भी एक बहुत बढ़िया बात है। जुगरे एक तो गेटा का हो गया आपका, हमने देखा ये कमरे आई भी कराए हैं भाई, ये भी ये सारे जल जल गए थे, वो खराब भी पड़े भी। प्रशासन मुख्य पा गया था? हाँ, प्रशासन आ गया था भाई, पहले प्रशासन ही आया था। अच्छा, हाँ। और कुछ कहना चाहो आप? जो करिए आग उग लाग है इनमें,
भाई और तो के है ये करे हैं भाई को पतंगा पतंगा बीड़ी बाड़ी पी के भगा दे हैं ऐसा काम हो सके और तो भाई ये बताओ हम तो ठीक हो ना। ठीक है भाई राम 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 भाई। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही नहीं कि घर में भी लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, ऊपर सोलर प्लेट भी थी। ये तो एक अच्छी बात हुई, आग ने इनके घर की तरफ का रुख न लेकर इनका बचाव हुआ है इससे।